फर्ज कीजिए कि दो स्पीकर्स हैं और उनको सेम कंटेंट दिया जाता है डिलीवर करने के लिए, लेकिन फिर भी एक जो एमेचर स्पीकर है उस वो जब सेम कंटेंट डिलीवर करता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई इम्प्रेस नहीं होता है, जबकि सेम कंटेंट वर्ड बाय वर्ड अगर कोई चैंपियन स्पीकर, अगर कोई इम्पैक्टफुल स्पीकर देता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जानेंगे इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि सेम कॉन्टेंट होने के बावजूद आपके इम्पैक्ट को 5 टाइम्स बेटर कर सकती हैं। Stay till then. ये जो चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारी चीजें आती है नॉन वर्बल, यानी कि जिसमें वर्ड्स कंटेंट मैटर नहीं करता है, बट आपकी नॉन वर्बल चीजें मैटर करती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट कर सकती हैं कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्पीच कैसा जा रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो 5 चीजें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट। ये जो पहली मिस्टेक लोग करते हैं, व्हाट डू पीपल डू, कि उन्होंने एक पेपर उठाया, फर्रा उठाया और उससे देखना और बोलना स्टार्ट कर दिया, या फिर उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस में 50 है, 100 है, 200, उन्होंने वो 2 फेवरेट लोगों को चुन लिया और पूरा का पूरा स्पीच उनको डिलीवर कर दिया। नाउ दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आप प्रेजेंटर हैं, यू नीड टू एंगेज योर ऑडियंस विथ हैविंग आई कॉन्टेक्ट टू ऑलमोस्ट ऑल इफ नॉट ऑल द ऑडियंस। सो यू हैव टू प्लान योर आई कॉन्टेक्ट, यू हैव टू plan in such a way that you are having maximum impact, because when you connect with your eyes, agar main aapko abhi dekh raha hu through camera ke to aapko lag raha hoga ki main aap se baat kar raha hu, but agar main niche dekh raha hu ya main idhar aage piche dekh raha hu to aapko wo connection nahi aayega। You have to remember whether you are presenting online ya fir aap present kar rahe in person, you have to consciously eye contact banana padega, theek hai। That is first thing। Number 2, and main apne ye workshops and क्लास में बताता हूँ कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीकर्स। एक जो होते हैं जिसको हम कहते हैं बनी रैबिट, मतलब वो जैसे होता है ना किसी को शॉक कर दिया, बिजली लग गई, वो वहीं पे खड़े हो गए, स्टेज का कोई यूज ही नहीं किया उन्होंने, एक जगह किया और पेड़ की तरह वहाँ पे खड़े हो गए, जैसे पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता वैसे वो भी अपनी जगह पे रहते। और दूसरे टाइप के स्पीकर होते हैं वो उसका अपोजिट होते हैं, इसको कहते हैं पेंडुलम स्पीकर। वो क्या करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इतना ज्यादा मूवमेंट करेंगे कि आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी कि मतलब करना क्या चाह रहे हो भाई। बेस्ट स्पीकर्स होते हैं, दे प्लान देयर स्टेज मूवमेंट, वो अपने स्टेज को कैलकुलेट करके कि मुझे सेंटर से स्टार्ट करना है, जब मैं पहला पॉइंट करने जाऊंगा देन आई विल बी यूजिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज, देन आई विल कम बैक टू द सेंटर, देन आई विल गो टू द राइट, एंड मेरा स्पीच का एंड जो पावरफुल एंड है वो अगेन सेंटर ऑफ द स्टेज होगा। तो इट इज लाइक अ कोरियोग्राफी, आप एक एक स्टेप को प्लान करते हो, दैट इज वर्क मेक्स अ डिफरेंस। Even if you have the same content, अगर आप stage movement बेहतरीन तरीके से choreograph करते हो, it will have 2 times, 5 times, 10 times in. Number 3, and that is very important, and बहुत सारे लोग करते हैं जब वो PowerPoint presentation करते हैं। वो कैसे करते हैं power presentation? As you can see in this slide, point number 1 is a, point number 2 is a, point number 3. क्या दिखा आपको मेरा? There was no eye contact, there was no movement, and more importantly, you are seeing the back as if मेरा चेहरा देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। So this is what happens when you are doing the PowerPoint presentation. अगर आप PowerPoint presentation कर रहे हैं, make sure कि आप अपना back अपने audience को नहीं दिखाएं। That is derogatory to say that is not the best way. And people who are confident, people who know their stuff, they will not turn back every other second to look at what is there in the side. Maybe once in a while they'll just have a glance, but they know their subject, they know their content, and they will rather focus on the eye contact and stage movement. So that is what makes the difference. Do not show your back to the audience. Chautha wala main batata hu aapko, iska bahut hi simple hai ki agar main ek hi isi tone mein थोड़ी देर तक और बोलूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। बहुत सारे स्पीकर्स क्या होते हैं, वो सिंगल टोन पे होते हैं, नो वोकल वेरिएशन। अगर वो हाई पिच पे हैं तो हाई पिच पे ही रहेंगे, लो पिच पे हैं तो लो पिच पे रहेंगे, कोई अप डाउन नहीं है, कोई भी वोकल वेरिएशन नहीं है। और पॉजेस, ये क्या होता है? एग्जैक्टली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अमेचर एंड अ चैंपियन स्पीकर। जो अमेचर स्पीकर है वो एक ही लेवल पे, एक ही पिच पे, एक ही पेस पे बोलता रहेगा, बट जो चैंपियन स्पीकर है, जो स्पीकर है जिसको इम्पैक्ट करना है, वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, वो फास्ट भी बोलेगा, जल्दी जल्दी भी बोलेगा, और कई जगहों पे वो स्लो भी हो जाएगा। इट्स लाइक अ टूल, आपको पता है कि कौन सा वाला स्विस नाइफ, अगर आपने सुना है, आपको पता है कौन सा वाला निकाल के कौन सा वाला कहाँ लगाना है, एंड दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। तो अगर आप एक चैंपियन स्पीकर बनना चाहते हैं, यू शुड वर्क
ऑन वोकल वेरिएशन, यू शुड नो कि कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है, यू शुड नो कहाँ पे बहुत तेजी से बोलना है और कहाँ पे स्लो डाउन. व्हेन यू लर्न दिस, व्हेन यू मास्टर दिस, दिस मेक्स यू अ चैंपियन स्पीकर. एंड पांचवा और फाइनल डिफरेंस, जो कि सेम कंटेंट पे कंटेंट होने के बावजूद एक अमेचर स्पीकर और एक चैंपियन स्पीकर में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है ये, नॉट माई हैंड्स, बेसिकली द जेस्चर्स. यू नो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा अमेचर स्पीकर है वो जनरली ऐसे खड़ा रहता है, वो कोई जेस्चर्स नहीं करता, और या फिर बहुत ज्यादा ज्यादा जेस्चर्स ऐसे वैसे इधर उधर इधर उधर, या अपने अंगूठियां या अपने चश्मे या अपने नाक, या तो वो कोई जेस्चर नहीं करता है या ओवर जेस्चरिंग करता है, जो कि डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है. ऑडियंस को लगता है कि ये क्यों कर रहा है, क्यों बार बार मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है. बट जो चैंपियन स्पीकर होता है वो अपने जेस्चर्स को प्लान कर, वो ऐसे करता है कि जब वो आपसे बात करे तो आप तक इम्पैक्ट पहुंचे, आप तक मैसेज पहुंचे और आप उसको रिसीव कर सकते. अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट 30 सेकंड में मैंने जानबूझ के कुछ फंक्शनल जेस्चर्स यूज किए, और यही डिफरेंस होता है एक एक अमेचर स्पीकर और एक चैंपियन स्पीकर पे. चैंपियन स्पीकर्स नो कि कितना जेस्चर कब लेना है, एंड दैट मेक देम एन अमेजिंग वंडरफुल स्पीकर. आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे हों. फिर से एक समराइज कर देता हूँ. पहला है हैविंग द राइट आई कॉन्टेक्ट. नंबर टू, यूटिलाइजिंग द स्टेज, स्टेज पे कैसे मूव करना है. नंबर थ्री, अपना बैक ऑडियंस को दिखाने की जरूरत नहीं है, फोकसिंग ऑन एंड लुकिंग एंड फेसिंग योर ऑडियंस. नंबर फोर, हैविंग वोकल वेरिएशन, नॉट गोइंग विद द सेम पिच, सेम टोन, सेम बेस. एंड नंबर फाइव इज डूइंग प्रॉपर जेस्चर्स, नॉट डूइंग जीरो जेस्चर्स और नॉट डूइंग टू मेनी जेस्चर्स दैट इट बिकम्स डिस्ट्रैक्टिंग. कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा फीडबैक सबसे अच्छा लगा. आई वुड लव टू हैव देम. एंड एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दिस इज हरितोष श्रीवास्तव. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.